Magic kitchen of Krishna. Magic for food. Passion for food. Magic kitchen. And chef. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा. आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यमी नवाबी पनीर. ये नवाबी पनीर बहुत यमी है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसमें शाही टेस्ट है. सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फॉर मोर वीडियोस. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब. मैजिक किचन आज फिर आपके लिए लेकर आया है ढेरों रेसिपीज और एक बहुत शाही रेसिपी अपने स्टाइल में अपने टेस्ट के साथ. ये है नवाबी पनीर. बहुत यमी बने रहिए हमारे साथ में पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और बना डालिएगा यही नवाबी पनीर. तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर. फ्रेंड्स, ये हमने देसी घी लिया है और ये पनीर देसी घी में ही बनेगा. तो ये हमने ले लिया देसी घी 2 टीस्पून. इसमें हम डाल रहे हैं 1 स्टार एनिश, वे लीव्स, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची 2-3 छोटी इलायची, लौंग 4-5, आठ 10 काली मिर्च साबुत और स्विस, वो हम खड़े मसालों को थोड़ा सा घी में भून लेते हैं लेकिन फ्लेम को हम लो ही रखेंगे. और 4-5 हमने स्लिट करके ग्रीन चिली ऐड कर दिया और इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से. तो ये घी में ही फ्राई होगा और अब हम इसमें डाल रहे हैं गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट. ये गार्लिक और जिंजर पेस्ट 1/2 कप है और हम 1 कप इसमें डाल रहे हैं ऑनियन पेस्ट. तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन पेस्ट को हमें 3 से 4 मिनट भूनना है लो फ्लेम पे. सो देखिए
गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगोया था और उसके बाद बादाम के छिलके निकालने के बाद तीनों को पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। तो ये आधा कप है तकरीबन। इसे मिलाकर भी हमें देखिए बॉयल आ रहा है अच्छे से, तो ये अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनना है। देखिए 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा केसर मिला हुआ दूध, और अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए, और अब हम इसमें मिला देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको फिर हम भूनेंगे। और ये पनीर हमने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, ये पनीर भी रुफिल का पनीर है, बहुत यमी पनीर है, तो इसको भी हमने डाइसेस में कट कर लिया है। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। तैयार है हमारा नवाबी पनीर। अब हम इसे प्लेट कर रहे हैं। इसे प्लेट करने के साथ ही हम इसमें देसी घी और केवड़ा वाटर हम ऐड करेंगे। केवड़ा वाटर आप पहले भी डाल सकते हैं। ये गार्निश कर देते हैं हम, ऊपर से देसी घी आप डालते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, और केवड़ा वाटर जब ऊपर से मिक्स करते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो पकाते वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप गार्निश करते वक्त डालते हैं तो उसकी फ्लेवर अलग आता है। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा नवाबी पनीर। इसे आप बासमती राइस पुलाव के साथ खाइए, इसे आप रोटी के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है। और बना कर देखिए, जब कभी आपके गेस्ट आते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स आते हैं, आप जरूर उनको ये नवाबी पनीर बना के खिलाइए, आपकी तारीफें करते रहेंगे और आपको कहते रहेंगे वंस मोर सो फ्रेंड्स, जल्दी से बना डालिए ये यम्मी 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 नवाबी पनीर। देखिए कितना यम्मी है, मुँह में पानी आ रहा है ना।